राज्य उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर के कटेहरी ब्लॉक के ग्राम समस्तपुर रघुनाथपुर के प्राथमिक विद्यालय में आज 5 वर्षों से शौचालय खराब होने के कारण एकता के साथ 115 बच्चे सबसे परेशानी उठा रहे हैं। मैं गायत्री, ये मेरा समुदाय। शौचालय यूज करत हूँ बेटा? नहीं, गंदा है। तो शौच के लिए कहाँ जाते है? बाहर। बाहर कहाँ? खेत में। आपने आपके प्राथमिक विद्यालय में व्यवस्थाएं क्या क्या है? व्यवस्था सब ठीक है, यही शौचालय जो है गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है उसमें? अरे गांव वाले गंदगी किए रहते हैं। शौचालय के लिए क्या सोच रहे हैं? शौचालय के लिए सफाई कर्मी से कहे, सफाई कर्मी सफाई करता है फिर दूसरे दिन गंदा कर देते हैं। प्रधान जैसी भी इसके लिए संपर्क किया जाए। उस प्राथमिक विद्यालय में शौचालय है? शौचालय तो है लेकिन उसकी स्थिति जो दयनीय है, मतलब कि हम ये चाहते हैं कि मतलब कि उसका दुरुस्तीकरण हो जाए और बच्चे जो बाहर ना जाएं और अन्य जो विकार हैं उससे जो है लुटार मिले। आपका प्रयास क्या है? हमारा प्रयास ये है कि बच्चे बच्चियां जो है वो विद्यालय परिसर के अंदर ही जो शौचालय है उसका उपयोग करें, बाहर अन्य स्थान पर ना जाएं। मतलब देश समाज में जो तमाम कुरीतियाँ फैली हुई हैं उन सब पर रोकथाम लगा दें। स्कूल में शौचालय है लेकिन साफ नहीं है। साफ कराए 2 महीने पहले। लड़कियन का बहुत परेशानी हो तो हम तो परेशानी में बच्चे तो हमारे हैं, हम तो हेरिए कराई हुई स्कूल में। मैं इसको लेकर माह अगस्त में एक इस वीडियो बनाई थी। उसके बाद वीडियो बनाने के बाद मैं उस एसएमसी सदस्य के साथ, प्रधान के साथ और टीचरों के साथ बातचीत की और अब उस पर जाकर इम्पैक्ट आ पाया। कौन परेशानी रही अपने स्कूल में? शौचालय ठीक ना रहा है, आप रिकॉर्ड कहीं लग गई है कि तब सफाई करनी आए ना साफ करना, तब हमें सबके परेशानी ना हो जाए थे। शौचालय के लिए हम जाते हैं। आप कौन हो दिक्कत ना बा। गुरुजी स्कूल की स्थिति अब क्या है शौचालय की? अभी तो ठीक है, आप 4 महीना पहले जो है 3 महीना यहाँ आई थी, शौचालय साफ सफाई के बारे में जो है जानकारी ली थी और इसके लिए जो है ग्राम प्रधान और हमने व्यक्तिगत रूप से जो है प्रयास किया। सफाई कर्मी भी जो है प्रतिदिन आता है और सफाई करता है। पहले जो है शौचालय काफ़ी गंदा रहता था लेकिन अब ठीक ठाक है। कैसे बना है ये शौचालय, ठीक कैसे हुआ? शौचालय ठीक हुआ जब आप लोग आई थी और रिकॉर्ड करके ले गए, आप कहा, इसके बाद वो प्रधान जी कहे और लोग कहें, इसके बाद सफाई कर्मी आए और यहाँ के शौचालय जो है उसको साफ सफाई किए, इसके बाद ये उपयोग में आने लगा। शौचालय में जो है कहा, हमने कहा देखा कि लोग आ करके उसमें गंदगी फैला देते हैं, हमने सफाई कर्मी कहा नित्य जब आते हो ड्यूटी करने तो इसमें 4 बाल्टी पानी रोज डाल दिया करो, इससे स्वच्छता बनी रहे और जो बच्चे छोटे मोटे बच्चे हैं उनको उस विद्यालय के शौचालय में जाने की आदत डाली जाए जिससे वो अपने घर पर जा करके इसके बारे में कुछ कह सके कि हमको भी घर पर शौचालय होना चाहिए, हम बाहर ना जाए। स्कूल के बारे में क्या हाल बा? स्कूल के बारे में सही है भाई, और क्या हाल बा? कैसे सही भाई? सही कराए तब सही है, अपने के हो सही कह दे। जैसे चाची कैसे कहें? सफाई करनी से कहा, कैसे कहा? तो है डेली आवत हैं? हाँ। जोन पहले परेशानी रही अब दूर हुई। शौचालय सफाई के लिए कोई दिक्कत हुई आपको, किसने कहा? नहीं नहीं, इसके पहले जब आप 3 महीने पहले वीडियोग्राफी करने आई थी तो हमारे पास किट भी नहीं थी साफ सफाई करने के लिए, कि आपने कहा और प्रधान जी से भी मैंने कहा तो प्रधान ने समिति बनवा के मतलब उसके लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है हम किट की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन किट की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। फिर भी हम अपने स्तर से जैसे भी हो सकता है, फावड़ा से, झाड़ू से, फावड़ी से, मतलब किस तरह से वो मिना से साफ सफाई करते हैं। तो उसमें आपने भी मतलब मुझे प्रेरित किया तो मैंने सोचा ठीक है भाई, स्टाफ वालों को और बच्चों बच्चियों को भी कोई दिक्कत ना हो, ये सामान तमाम बुराइयाँ फैली हुई हैं उन सब चीज़ों से मतलब बचत हो, तो हमारा ये मतलब अथक प्रयास रहा है कि मतलब अपने जैसे भी हो सकता है साफ सफाई के लिए हम तक रहते हैं। मैं चाहती हूँ इसी तरीके से हर इशू पर वीडियो बने ताकि उस पर बदलाव आ सकता है। मैं गायत्री, राज्य उत्तर प्रदेश, जनपद अम्बेडकर नगर, इंडिया अनहर्ड के लिए।